ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जो है लगातार हम रिव्यूज़ करा रहे हैं, कल भी हमने आपको कराए थे फिटर और जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, और यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस करवाया आपको। फिटर ट्रेड के काफ़ी जो है कैंडिडेट हमारे पास आए थे, और यहाँ पर जो है ये सेकंड शिफ्ट का है, और आज है 8 जनवरी और ये सेकंड शिफ्ट का जो है रिव्यू हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो है हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बताएं, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं यहीं कानपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा रितेश कुमार जी, जी जी आप बताएं। मेरा नाम कुंदन कुमार है, मेरा ट्रेड फिटर है। अच्छा अच्छा, आप अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं, आपका ट्रेड फिटर है? हाँ जी बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है, मेरा ट्रेड भी फिटर है। अच्छा जी फिटर, ओम प्रकाश जी। जी सर, हाँ जी नाम? जी सर, मेरा नाम अजीत यादव है। अच्छा अजीत यादव जी, तो ये बताइए आप लोग एग्ज़ाम आप लोग दे के आ रहे हैं, और टेक और नॉन टेक दोनों जो है क्वेश्चन देख रहे को मिले, तो सबसे पहले आप नॉन टेक में ये बताइए जीके के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? जीके का तो ज़्यादातर करंट का आ रहा है। अच्छा, करंट अफेयर कहाँ से, मतलब कितने महीने पीछे के आ रहे हैं करंट अफेयर? ज़्यादा नहीं, मतलब दो तीन से चार महीने बस। अच्छा अच्छा, जैसे करंट अफेयर में स्पोर्ट से कहाँ से आ रहे क्वेश्चन? स्पोर्ट में एक आया था कि सुनील चौधरी, सौरभ चौधरी किस खेल से रिलेटेड है? अच्छा अच्छा, और 20 देश की मेजबानी 2023 में कौन देश करेगा? अच्छा ये भी आया था। और महात्मा गांधी ने अपनी डांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी, ये आया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जीके में आए थे। अच्छा अच्छा, जीके में जो है और मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। आ जाइए ना आप लोग, आ जाइए, नाम बताए, थोड़ा इधर घूम जाइए। हाँ नाम बताए अपना, बताए। साक्षी गुप्ता। अच्छा अच्छा, आपका ट्रेड क्या है? फिटर। अच्छा, तो टेक में और नॉन टेक में आपने क्वेश्चन किया है, तो नॉन टेक में जीके से बताइए कुछ क्वेश्चन याद हो तो। जीके में आया था जैसे जो 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा। अच्छा अच्छा, और कोई क्वेश्चन? और भी आया था, मतलब अनुच्छेद से था हमारा, पॉलिटिकल से था, संविधान से। हाँ जैसे उसमें, हाँ आप लोग भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं, इजी था पेपर का लेवल। अच्छा अच्छा, और जैसे रीजनिंग वगैरह में क्या लेवल था, मतलब रीजनिंग का भी ठीक था लेवल, मतलब हर एक टॉपिक था एक अच्छा। अच्छा सीटिंग रिलेटेड वेन डायग्राम वगैरह कोई क्वेश्चन? नहीं डायग्राम क्वेश्चन। और जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं? एक जीके का क्वेश्चन आया था कि चुनाव जो आयोग होता है, आर्टिकल कितना में चुनाव आयोग जो होता है। और ये बताइए जो क्वेश्चन जैसे जीके में देखा जाए तो क्या न्यूमेरिकल आया था क्या? मेडिकल के नाम पर न्यूमेरिकल नहीं था। अच्छा, तो कैसा क्वेश्चन था, निमी का पैटर्न से था या कैसा? हाँ निमक क्वेश्चन उठाया था। अभी अभी नॉन टेक के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैथ में कहाँ से आया? मैथ में किस सब्जेक्ट से आया था? परसेंटेज भी था, परसेंटेज था, एस आई डी वो था, एकदम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन बन गए थे। सिंपल इंटरेस्ट भी था सब। CISI से कोई क्वेश्चन था कि नहीं? CISI से सिंपल था। और जैसे ये जो एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्यामिति हो गया, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं? यानी कि मैथ में जो है जैसे CISI हो गया, सरलीकरण हो गया, और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, यहाँ से कोई क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था। अच्छा एवरेज था, रेशियो का भी क्वेश्चन आया था, और लेवल बहुत ज्यादा टफ था या फिर नॉर्मल था? मैथ रीजनिंग जितना मैंने जब क्वेश्चन लिया था इंग्लिश में हाई नहीं था। अच्छा तो इंग्लिश में आप लोग टॉपिक होता जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कहां से था? हाँ, और मतलब वो एक था स्पेलिंग करेक्ट वाला था, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है उसका था, सिंटेक्स एरर सिंटेक्स एरर, पैसिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस और पैसिव, हाँ ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी था एक। अच्छा अच्छा, और ये द आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल से हाँ था, आर्टिकल से था ना, चुनाव वाला बोले ना जो चुनाव, इंग्लिश में, इंग्लिश में अच्छा ही वो उसमें भी था, 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 एक था, आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल से आया था क्वेश्चन, चलिए ठीक है। यानी अच्छा एक बात बताइए, जैसे जो इंग्लिश लोग डर रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं इंग्लिश में थी, नॉन टेक में 30 व्यक्ति कर सकता है 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ओवरऑल 40 में अगर जो देखा जाए, नॉन टेक में तो कितने क्वेश्चन किया जा सकते हैं आसानी के साथ? मान लेते हैं CS जो है कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन 25-30 कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, और अब टेक की बात कर लेते हैं। टेक में आप लोग का ट्रेड क्या है? फिटर ही है ना। तो फिटर में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरे में बिल्डिंग से आए थे। अच्छा, बिल्डिंग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पावर ट्रांसमिशन का ज्यादा क्वेश्चन आए थे। पावर ट्रांसमिशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पावर ट्रांसमिशन और बिल्डिंग से था, एसी धारा वाला एक क्वेश्चन था। गेज से कोई क्वेश्चन? गेज से था, वो पिलर गेज, मैटिंग बार्डो के बीच में किसका यूज करते हैं पिलर गेज। अच्छा, ये अल्पमांग जो टॉपिक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं? गैल्वेनाइजिंग कोई टूल वगैरह आए हो तो बताइए। आपका एग्जाम हुआ है?
हीट ट्रीटमेंट से भी था और मेटल चैप्टर से भी था। अच्छा मेटल चैप्टर से आ रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कोई क्वेश्चन हो? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कोई क्वेश्चन नहीं था सर। और ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग से? नहीं कुछ नहीं था। अच्छा कोई क्वेश्चन याद हो तो बताएं ना आप लोग। गैल्वेनाइजिंग सीट पे किसकी कोटिंग की हुई थी ये था। अच्छा और कौन सा प्रेशन ब्लू जो होता है जो सबसे ज्यादा मतलब रहता है आप लोग का एग्जाम टाइप से था? आइए ना, क्या नाम है आपको बताएं? किशन रावत। किशन रावत जी, क्या ट्रेड है आपका? फिटर। फिटर, आप थोड़ा इधर आ जाए ना, कैमरा साथ आ जाइए। तो आपने जो है एग्जाम दिया तो ओवरऑल मतलब टाइमिंग तो नहीं कम पड़ा ना? टाइमिंग ठीक था ना कि कम पड़ रहा है? सही है टाइमिंग। क्या नाम है आपका? कमल कुमार। क्या जी? कमल कुमार। कमल कुमार जी, तो आपका ट्रेड भी फिटर है? जी सर। तो ये बताइए न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे? न्यूमेरिकल नहीं था। न्यूमेरिकल नहीं था, मैथ भी जो थी इजी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज ये बताइए आपके जो जहाँ भी मतलब रूम नंबर में था प्रेजेंटी 100% परसेंट नहीं थे हमारे, यानी कि एब्सेंट नहीं हो रहे हैं? मेरे रूम में एब्सेंट थे। अच्छा आपके उधर 15 बच्चे एब्सेंट थे? अच्छा अच्छा 10-15 बच्चे एब्सेंट थे, तो यानी कि माना जा सकता है कि 90% से ऊपर ही अटेंडेंस माने जा सकती है ना। और एक चीज़ ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि निमी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, ऐसा है क्या? निमी से, निमी के जो भारत स्किल का पीडीएफ है वहाँ ज्यादातर निमी से है? अच्छा निमी से क्वेश्चन आ रहा है, उसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन था, उसी के इर्द गिर्द में। आ जाइए ना थोड़ा, थ्योरी में ज्यादा, थ्योरी में क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, थ्योरी से ज्यादा आ रहा है। और न्यूमेरिकल तो ज्यादा नहीं आ रहे ना? फिटर के थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा अच्छा, फिटर में थ्योरी से। और ऐसा कोई जो टॉपिक हो जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा हो फिटर में? पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, कूलेंट लुब्रिकेंट, ये सब करीब 6-7 क्वेश्चन थे फिटर में। और ड्रिलिंग से थे, टूल्स वगैरह हो गया, लेथ मशीन हो गया, या फिर टूल्स से? टूल्स में एक क्वेश्चन देखने को मिला। नहीं नहीं, टूल्स से भी कई क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन। अच्छा ड्रिलिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं? हां ठीक है, वो ही आ रहे हैं, रीजनिंग से आ रहे हैं। हां रीजनिंग से, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में? ये एक क्वेश्चन देखने को। अच्छा अच्छा, अल्पतमांक किसी का पूछा था क्या? अल्पतमांक किसी का ऐसा पूछा? अच्छा बियरिंग गियर, ये सब क्वेश्चन? बियरिंग गियर के बारे में माइक्रोमीटर पूछा था, माइक्रोमीटर में किस सिद्धांत पूछा था? अच्छा अच्छा, और क्वेश्चन किस और सब्जेक्ट बताइए, जैसे कोई क्वेश्चन? जैसे डेप्थ माइक्रोमीटर में कौन सा जो इनसाइड वो क्या बोलते हैं रॉड जो यूज किया जाता है, रॉड वो पूछा था, इसके बारे में सीटिंग अरेंजमेंट का था। सिंपल था, सिंपल था, ज्यादा नहीं, 5 लोग बैठे थे। अच्छा अच्छा, बस दाएं बाएं वही बैठे थे। सेफ्टी से कोई क्वेश्चन था? सेफ्टी से कोई क्वेश्चन? मापन से, टूल्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन जरूर आया होगा। टूल से 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन थे, किस किस टूल से, जैसे क्या पूछा था, कोई क्वेश्चन याद हो? एक तो वर्नियर वाला पूछे था, वर्नियर टूल माइक्रोमीटर से जो होता है, और कई थे याद नहीं। मैग्नीज का था, मैग्नीज सर्वाधिक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अच्छा अच्छा, मैग्नीज किस राज्य में ज्यादा ज्यादा मात्रा में? चुनाव आयोग पूछा था, चुनाव 324 आर्टिकल 324। और क्या पूछा था? और कई क्वेश्चन जी के थे, वो G20 2023 के 2-3 क्वेश्चन थे। ट्रेड वाइज अगर जो कोई क्वेश्चन आप लोग को याद हो अच्छे से तो बताएं, कुछ ऐसा कुछ याद हो। ट्रेड वाइज तो खैर ज्यादा विशेष है। अच्छा हाँ, आप बताएं कुछ ट्रेड कोई कोई क्वेश्चन याद हो, जैसा कि क्यूपला फरेंस में मतलब कौन सा आयरन यूज, मतलब कौन सा आयरन निकलता है वो उससे पूछा हुआ था। अच्छा, और थ्रस्ट बैरिंग का कौन सा मतलब कहाँ यूज किया जाता है ये। अच्छा, अच्छा, और रीजनिंग में था कि 15 फरवरी 1990 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, ये पूछा गया था। और GKGS में जैसा कि देखने को मिला था G20 का कौन सा देश अध्यक्ष, मतलब कौन सा देश अध्यक्षता कर, ऐसा ही क्वेश्चन था। अच्छा ये बताइए डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले रहे हैं अंदर, कई बच्चे पूछ रहे हैं। डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है सर, जैसा कि आधार कार्ड हो गया, और ये फोटो कितने फोटो मांग रहे हैं वो? एक फोटो बस। अच्छा एक फोटो वो भी एडमिट कार्ड पर चिपका होना चाहिए। और ठीक है ठीक है, और तो कोई मास्क वगैरह तो बिल्कुल कुछ? अच्छा सर, बेल्ट खोल के जाना पड़ता है, बेल्ट वगैरह जो है निकलवा देते हैं, और जूता वगैरह तो नहीं निकलवा देना? जूता ऐसा कुछ नहीं है, नहीं निकलवाया गया था। अच्छा अच्छा ठीक, ओके ओके। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने जो है देख लिया होगा रिव्यू, हमने यहाँ पर जो है फिटर ट्रेड के लगातार रिव्यू हमने करवाए हैं, और ये सेकंड शिफ्ट का है 2 डे का। और बाकी देखते हैं कि और भी जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो हम इवनिंग टाइम में करवा देंगे, बाकी यहाँ पर हमने रिव्यूज करवा दिया है फिटर ट्रेड के। इवनिंग टाइम में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और किससे आपको क्या था आया था ये सब भी हम लोग बता देंगे, सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे इवनिंग टाइम में, कोशिश करेंगे। अभी तक जो है आप लोग ये रिव्यू देख सकते हैं, यदि आपका आगे एग्जाम आता है फिटर ट्रेड से रिलेटेड तो हम बाकी अदर, कल जो है टर्नर है, मशीनिस्ट है, कल हम अदर सेंटर्स पर भी जाएंगे वहाँ पर, या फिर यहीं पर देखते हैं हम।
उनका भी रिव्यू हम लोग कोशिश करेंगे कि करवाएंगे। रीजनिंग मैथ एकदम सिंपल आ रही है, इसलिए उसका टेंशन ना लीजिए। अपना निमी का पीडीएफ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, टेक में कम से कम आपके 70 से नंबर से ऊपर उठे। और रीजनिंग मैथ एकदम सिंपल आ रहा है, इंग्लिश भी सिंपल आ रहा है, बनना होगा तो सब बन जाएगा। और जीएस अगर नहीं बनना होगा तो नहीं भी बनेगा, तो आप जीएस थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं, करंट वेंट थोड़ा बहुत देख सकते हैं। करंट अफेयर्स वगैरह की अगर जो बात करें तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर देख लीजिएगा। बाकी आप लोग को ज़्यादा मैथ में अगर जो देखा जाए तो जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं आप उन लोग को जरूर देखिएगा, जो एडवांस चैप्टर हैं आप उनको नहीं देखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप बेसिक चीज़ें जरूर देख लीजिएगा। पावर जैसे ट्रेड में पावर ट्रांसमिशन हुए, टूल्स हुए, गेजेज हुए, गियर ये बेयरिंग हुआ, ये सब चैप्टर को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए निमी के से। बिल्कुल। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया या फिर निमी जरूर, हाँ फीचर टेस्ट के लिए निमी से भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हर ट्रेड के बच्चे अपने निमी के जितने भी दिए हुए क्वेश्चन उनको रट डाले। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे आपको निमी के पीडीएफ यदि डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर हमने अपने वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। आप किसी भी ट्रेड का निमी का जो क्वेश्चन बैंक लेवल 1 और लेवल 2 दोनों आप बहुत आसानी के साथ वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी हमारा जो रिव्यू है यहीं तक रहता है। बाकी आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये मौर्या जी हैं, इनका भी आईटीआई टेक डिप्लोमा करके चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इनके भी जो है लिंक, चैनल का लिंक दे देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।